तो रोज़ की तरह अनलेक्स ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो की कामना के साथ आज प्रेरणादायक भावों के अनुक्रम में मैं आप लोगों के सामने मौन की महिमा। मौन रहने से हमारे जीवन में किस प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, हम कितना संयम, विवेक और सहनशीलता हमारे अंतःकरण में आती है, हमारे इंद्रियों का संयम किस प्रकार से संचरित होता है और मौन की महिमा किस प्रकार से अपरंपार है। जहाँ अपने अंदर प्रवेश का द्वार है, वहीं मौन शांति का अपार भंडार है। तो दोस्तों, भारतीय दर्शन संस्कृति में मौन की बड़ी महिमा है और मौन में सभी समाधान मुखर होते हैं। मौन में मूलतम प्रश्नों का हम, कोई भी मूलतम प्रश्न होते हैं, उनका हल निकालने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों, मौन यह वह शक्ति है, वह नियंत्रण, अपने इंद्रियों को नियंत्रण की और साहस का और आत्म केंद्रीकृत करने का सबसे बड़ी प्राप्ति है। मौन दोस्तों बाह्य बलिक मौन होता है और दूसरा आंतरिक मानसिक मौन। तो मुख पर शब्दों का नियंत्रण रखना और अधिकत मौन विषयों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो मौन से हमारे जीवन में, मौन से मानव मस्तिष्क में समग्रता और उत्पादक बनने की प्रेरणा अवश्य होती है। तो इससे बाह्य या आंतरिक हमारे गुणों का के भावों का पता लगता है। तो दोस्तों, मौन प्रवृत्तियाँ हमारी चित्त को निखारने की, चित्त में संयम पैदा करने की, चित्त से हमारे दुर्भावनाओं को बचाने का और वाणी में नियंत्रण और अनेक प्रकार की मानसिक शक्तियों की बचत का द्योतक है। दोस्तों, इसी बचत के परिणाम स्वरूप आत्मचिंतन में लगातार सुखद व शीतल भावों का जो संचार होता है तो हमारे अंतःकरण तक पहुँचता है, इससे हमें चेतना प्राप्त होती है। मौन का सही अर्थ है दोस्तों समझना और बात करने के लिए एक से दो चाहिए और मौन साधना का को समझना और मौन चेतन और सचेतना के प्रारंभ और अपने मौन में वेद का शक्तिशाल, यानी मौन में जो है अनेक प्रकार के महिमा मौन की अपरंपरार है। मौन जहाँ अपने अंदर प्रवेश का द्वार है, वहीं मौन शांति का भी आगार है। तो मौन जहाँ रचनात्मकता का उर्वर स्रोत है, वही निश्चिंता का भी सबल आधार भी है। दोस्तों, मौन जहाँ शक्ति का अखंड भंडार है, वही व्यवहार कुशलता का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। दोस्तों, मौन बड़े बड़े साधु हैं, सन्यासी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, परमात्मा की साधना में अपने इंद्रियों के नियंत्रण के लिए, इंद्रियों में कैसे हम नियंत्रण पैदा करें, उसके लिए मौन की साधना को रखा गया है। यह भी एक प्रकार का योग है दोस्तों। तो मौन के लाभ तमाम हैं, अनेकों लाभ हैं और इनकी महिमा अपरंपार है।
तो यही कारण है दोस्तों, जो साधना साधक होता है, साधनात्मक जीवन में प्रत्येक दिन कुछ नए मौन रखने के अभ्यास पर बल दिया जाता है। और एकांत भाव में और शांत वातावरण में मौन के मौन से हमारे अंतःकरण में परमात्मा का वास होता है, और सामान्यतः इसका एहसास भी नहीं हो पाता, लेकिन लगातार बोलने के बाद यह समझ आता है। अधिक बोलने के साथ जैसे जैसे ऊर्जा का क्षरण होता जाता है, दोस्तों हम जितना बोलते हैं, संयमी बोलना, सटीक बोलना और कम बोलना और बोलने में नियंत्रण रखना, और कितना समय तक हम बिना बोले रह सकते हैं, यही मौन की अवधारणा है। तो अधिक बोलने के साथ जैसे जैसे ऊर्जा का क्षरण होता है, जब हम लगातार कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बेफजूल की बातें भी हम बोलते हैं, जो तार्किक चीज़ें होती हैं उनको बोलना नियत संगत है, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामाजिक परिदृश्य में जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई शब्द नहीं, कोई भाव नहीं है, कोई उसमें कोई रस नहीं है, कोई निष्काम जो हैं, कोई काम की नहीं है, निष्क्रिय जो बातें हैं, उन बातों को अगर हम बोलते हैं तो उससे हमारी जो एनर्जी होती है वो लॉस होती है, एनर्जी का दुरुपयोग होता है। तो मानसिक ऊर्जा के ह्रास के साथ विचार की विसंगता होने लगती है। तो दोस्तों हमें कम बोलना, सटीक बोलना, कम शब्दों में उसके अधिक अर्थों को समझाना, और कितना समय तक हम मौन रह सकते हैं, बिना बोले रह सकते हैं, ये एक साधना का सबसे बड़ा स्वरूप है। इससे हमारे चेतन में हमारी संवेदनशीलता बढ़ती है, हमारे में सहनशीलता बढ़ती है और हमारे में आत्म भाव बढ़ते हैं। तो साथ ही दोस्तों बहिर्मुखता हावी होने लगती है जब हम अधिक बोलते हैं, तो चित्त की स्थिरता प्रभावित होती है, मन की शांति और एकाग्रता न्यून होने लगती है अधिक बोलने से। तो मन की एकाग्रता के अभाव में व्यावहारिक परिदृश्य में अनेक प्रकार की चूक होने लगती है, भूलें हो जाती हैं, गलतियां होने लगती हैं, तो जीवन की रचनात्मक एवं उत्कृष्टता में कमी आ जाती है। अगर हम अधिक बोलते हैं, हद से ज़्यादा बोलते हैं, बेवजह की बातें बोलते हैं, तो ये हमारे जीवन के हमारी ऊर्जा को समाप्त करते हैं। जिस प्रकार दोस्तों ये गाड़ी है, मोटर गाड़ी है, अगर हम उसको लगातार चलाते रहेंगे, लगातार चला रहेंगे, तो एक समय उसकी जो एनर्जी होती है, उसका जो इंजन होता है, वो फेल हो जाता है। उसी प्रकार का मानव जीवन में भी है, हमारे स्वर यंत्र हैं, हमारी ध्वनियाँ निकलती हैं, उन ध्वनियों का अगर हम सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वह एक दिन क्षीण हो जाएंगे। तो मौन व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाकर अंतस्थ बनाता है और अंदर स्थिर होने में सहायता करता है। तो व्यावहारिक जीवन में मौन कई तरह की व्यवहारजन्य गलत फहमियों से हमको बचाता है, गलत मार्ग से बचाता है, गलत बातें बोलने से बचाता है, और हम सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति तभी करते हैं जब हम तोल कर ही तराजू तोल के तब मुख बाहर आए। बोली एक अमूल है जो कोई बोले जान, ही तराजू तोल के तब मुख बाहर। तो बहुत अधिक बोलने से व्यक्ति अधिक सोच नहीं पाता है। तो सोचने की शक्ति हमको तब आती है दोस्तों जब हम सही में बोलते, क्योंकि एकाग्रता हमारी समाप्त होने लगती है। तो ऐसे में तत्काल पता ही नहीं चलता कि बोलने में कहाँ चूक हो गई है। अगर हम बेफजूल की बातें लगातार बोलते रहेंगे, हमें अच्छा बोलना और बुरे बोलने में अंतर महसूस नहीं होगा, तो इसमें अपने व्यक्तित्व का प्रभाव कम होता है, जिसको हल्कापन कहते हैं। इसका हल्कापन और मनुष्य में हल्कापन झलकता है। तो शादी कुछ अनर्गल एवं गलत अभिव्यक्ति दूसरों के भावों को चोट पहुंचाती है, आहत करती है,
ऐसे में जो भी वक्ता होते हैं, जो बोलने वाले होते हैं, वो अपने मन की शांति और स्थिरता प्रभावित होती है। तो दोस्तों, मौन का अवलंबन ऐसी चूकों से व्यक्ति कोई भी मानव मात्र को बचाता है और जीवन की अधिक सरल और प्रभावशाली बनाने का कार्य करता है। तो दोस्तों, हम जब विद्यार्थी जीवन यापन करते हैं तो मौन रहकर स्वाध्याय रूपी तप पर बल दिया जाता है। जब प्राचीन काल में जब बच्चे गुरुकुल में रहते थे, वहाँ पर एक सत्र होता था, जिस सत्र के अंदर मौन रहने की अवधारणा थी। ये जो है अपने इंद्रियों को संयमित करने के लिए किया जाता था। ऐसे अनेक प्रकार के प्रकरण हमारे साहित्य में मिलते हैं, हमारे गुरुकुलों के माध्यम से हमको मिलते हैं, जिसमें एकांत का अपना महत्व रहता है और अध्ययन लेखन और रचनात्मक कार्य में एकांत में साधा गया मौन कार्य की उत्पादकता के लिए एक उर्वरक पृष्ठभूमि का कार्य करता है और शांत एकांत परिवेश में मौन के साथ संगीत ऊर्जा एकाग्र होकर लक्ष्य का शीशे की भांति, लक्ष्य को जो है शीशे की भांति उसमें भेदन करते हैं। तो दोस्तों, हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि जैसे सूर्य की किरणें आतिशी शीशे में प्रवेश होकर नीचे रखे गए किसी भी पदार्थ को जला देती है, आप अगर इसका प्रयोग करेंगे तो सूर्य की किरणों को अगर उसमें डालेंगे तो इस प्रकार से वह जलने लग जाता है धीरे धीरे करके। काफ़ी देर तक अगर सूर्य की किरणों को उस पर प्रवाहित करेंगे तो उस शीशे से, सूर्य की किरणों से वह तो अन्यथा विसंकीर्ण किरणों में सहज कुछ गर्मी मिलने से अधिक प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाता। तो इसी तरह साहित्य है, कला है, विज्ञान है, वह जीवन के अन्य क्षेत्रों में संभव हो रहे जो उत्कृष्ट कार्य हैं, वस्तुतः मौन में संपादित जो एकाग्रता के परिणाम होते हैं। तो आध्यात्म क्षेत्र में दोस्तों यह सिद्धांत विशेष रूप से लागू होता है। आध्यात्म के क्षेत्र में अगर हम प्रवेश करते हैं, अगर हम ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, परम शक्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं, इसीलिए तब एवं साधना के विधानों में मौन का विशेष महत्व माना गया है। हमारे योग शास्त्र में, अनेक प्रकार के साहित्य में और हमारे ग्रंथों में जो योगी मुनि, ऋषि मुनि, तपस्वी थे, वो उन्होंने मौन धारणा को बहुत ही उसका प्रभावशाली ढंग से उसके रहस्य को जाना है। तो बार बार दोस्तों भगवद गीता का और रामचरितमानस का ही स्मरण आता है। तो भगवद गीता में मौन को वाणी का तप में गिना जाता है, क्योंकि ये हमारे सबसे बड़े मानक साहित्य हैं, ग्रंथ हैं। इनको, इनसे हटके हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। इनकी प्रेरणा तो भगवद गीता और रामचरितमानस की प्रेरणा से मानव जीवन को चेतना प्राप्त हुई। तो दोस्तों, इनके अनेक अध्यायों में, गीता के अध्याय 16 और 17 में इस प्रकार के भाव कहे गए हैं कि मन की चंचलता को नियंत्रित करने वाले मौन की स्थिति में मनुष्य सीधे परमात्मा से संवाद कर सकता है। जब हम मौन की अवस्था में रहते हैं और हम पूरा अपना मन, वचन और वाणी से परमात्मा में ध्यान लगाते हैं तो हमारा सीधे संबंध जो है, सीधे हमारा लिंक जो है परमात्मा से होता है। अर्थात मौन के संबंध में दोस्तों ऐसे प्रसंग हमारे साहित्य में कई जगह ऐसे प्रसंग आते हैं। तो मौन के संबंध में यह जानना आवश्यक है कि यह वाणी के मौन से अधिक मन का होना अभीष्ट है।
तो दोस्तों, अतः उसके छोटे छोटे कुछ घंटों के प्रयोग के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। तो अधिकांशतः कुछ अति उत्साही जो लोग होते हैं, साधक होते हैं, वह जैसे कोई प्रयोजन आते हैं, नवरात्रि का अवसर आता है, तो पूरे 9 दिन तक वह मौन व्रत रखते हैं और इशारों में दैनिक जीवन के व्यवहार को निभाने की कोशिश करते हैं। या तो वह लिख करके अपनी बातें बताते हैं, या संकेतों से बताते हैं, या इशारों से बताते हैं। तो दोस्तों, इससे एक प्रकार की विद्या का संचार हमारे अंतःकरण में होता है। हम एक नई चीज़ को जन्म देते हैं। कहीं कहीं यह हमारे लिए बड़ी ज्ञान की पराकाष्ठा का द्योतक है। तो लेकिन जब इशारों में अपनी बातों को दोस्तों हम नहीं समझा पाते हैं, तो मन खिन्नता के कारण विचलित हो जाता है। तो ऐसे में लिखकर भी हम अपनी बातों को एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं। तो व्यावहारिक दृष्टि से मौन साधना, दोस्तों साधना कोई भी होती है, उसमें हमको कुछ ना कुछ परेशानियाँ अवश्य होती हैं। सच्चे साधक को बनने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम में भगवान राम जी के जीवन में अनेक प्रकार के साधना से लोगों ने अपने जीवन को पवित्र किया और मोक्ष की प्राप्ति की। खुद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और भरत जी ने इस प्रकार की साधना की। 14 साल के वनवास के दौरान जिस प्रकार राम जी ने अपनी साधना की, उसी प्रकार भरत जी ने भी अपनी साधना का पूरा अपना जीवन व्यतीत किया। तो दोस्तों, आध्यात्मिक एवं सृजनात्मक जीवन, अगर हम अपने जीवन को सृजनात्मक यानी सृजनात्मक बना जीवन मौन के ऐसे ही गंभीर प्रयोगों की श्रृंखला रहा है और नियमित दिनचर्या में, दैनिक दिनचर्या में अपनी दिनचर्या को सही ढंग से नियमित करने के लिए ऐसे अभ्यास के अतिरिक्त अनेक प्रकार के जो ऋषि मुनि हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, जिनको सिद्धि प्राप्ति है, जो परमात्मा तक पहुंचना जानते हैं, जिनका संवाद सीधे परमात्मा से होता है, ऐसे कई अनेकों प्रसंग हमारे ग्रंथों में, वेदों में, साहित्य में, कलयुग में भी दोस्तों इस प्रकार के भाव लोगों में व्याप्त हैं, परमात्मा का आशीर्वाद है। तो अनेक लोग जो है हिमालय की पंद्राओं में, हिमालय की जड़ों में प्रवास करते हैं, गंभीर प्रयोग करते हैं, अपने अनुभव को जगाते हैं, परमात्मा में लीन रहते हैं, साधना के सच्ची भाव को जागृत करते हैं, अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक और मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, 1961 में के हिमालय प्रवास के, हिमालय की गुफाओं में अनेक लोग जो हैं अपना विचरण किया और वहाँ की कंदराओं का तब से जो है, तब लोगों ने इस प्रकार के अनुभव लोगों के हैं कि तब एवं साहित्य सृजन व प्रतिफल किस प्रकार से हमारे जीवन में फलीभूत होता है। एकांत और सुनसान सहचर जैसी यात्रा वृतांत जब लोगों के जीवन के इस प्रकार के हम जीवनी को हम पढ़ते हैं, तो हिमालय में प्रवास गंभीर साधनात्मक प्रयोगों में उनका बीता है, ऐसे प्रसंग मैंने बहुत किताबों में पढ़े हैं दोस्तों, जिसके बाद प्राण प्रत्यावर्तन जैसे व्यक्तित्व को रूपांतरित करने वाले साधना मंत्र एवं वैज्ञानिक आध्यात्म प्रयोगशाला के स्वरूप हमारे सामने प्रकट होते हैं। और अनेक प्रकार के हिमालय की कंदराओं में शक्तिपीठों ने की स्थापना हुई,
और वही स्थापना वही श्रृंखला आगे बढ़ते बढ़ते अभी भी दोस्तों मौन साधना में लोग लीन हैं, तल्लीन हैं। उच्च स्तरीय आध्यात्मिक प्रयोग लगातार निरंतर चल रहे हैं और लोग जो हैं सच्ची साधना से परमात्मा की प्राप्ति कर रहे हैं। तो दोस्तों अपने अपने कार्य हैं, जिसको जहाँ अच्छा लगेगा, सुखार्थी चेत व्यजेत विद्या विद्यार्थी तो व्यजेत सुखम, और सुखार्थी न कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी न सुखम, यानी जिसको जहाँ सुख की प्राप्ति होती है वह उसी साधना को करता है। तो मौन से शक्तियों का क्षरण रुकता है, आत्मबल संयम होता है, दिव्य तत्वों की वृद्धि होती है, चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, शांति का प्रादुर्भाव होता है, बहिर्मुखी वृत्तियां अंतर्मुखी होने से आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो दोस्तों प्रतिदिन अगर हम सप्ताह में अथवा मास में महीने में कोई नियत समय मौन करने के लिए निश्चित समय अपना निकालें, एक घंटा भी हम शांत में अपना रहें, तो हमारे अंदर अनेक प्रकार के इस प्रकार के भावों का संचार होगा। कई दिन तक लगातार ऐसा ध्यान हम लगाते रहेंगे तो अपनी स्थिति रुचि सुविधा के अनुसार मौन की अवधि निर्धारित हम कर सकते हैं। किसी को ये भी पता न चले ये इस अवस्था में है तो मौन काल का अधिकांश भाग एकांत में किसी को पता न चले स्वाध्याय अथवा ब्रह्मचिंतन में व्यतीत करना चाहिए। ये मानव जीवन का परमो धर्म है और परम उपकार है, अपने इंद्रियों को साधने का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो इस प्रकार से दोस्तों मौन की महिमा अगर हम सूक्ष्म रूप से विचार करें तो अपरंपार है, जिसके व्यावहारिक और आध्यात्मिक केवल लोगों को दिखावे के लिए ये चीज़ नहीं करनी चाहिए दोस्तों। केवल अपने आत्मबल में, अपने संयम में, अपनी चेतना में, परमात्मा में विलीन होकर के मौन व्रत का धारण करके अपने जीवन को सकारात्मक बनाने के भाव अर्जित करने चाहिए। और मौन अपने चरम में हमें जीवन का परम लक्ष्य तक साक्षात्कार करने में सक्षम बनाता है, हम परमात्मा से सीधे साक्षात्कार कर सकते हैं। इस प्रकार के सिद्धहस्त लोग, प्रबुद्ध लोग और सिद्धि प्राप्ति के लोग अभी भी इस कलयुग में भी दोस्तों विचरण कर रहे हैं। तो अतः मौन को किन्हीं अंशों में जीवन में शामिल कर इसकी गुणवत्ता में वृद्धि कर ना मानव का सबसे बड़ा साधना है और इसे एक सुखी समृद्ध सार्थक जीवन का आधार हम बना सकते हैं। दोस्तों आज के आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। अपने विचारों के अनुसार मौन की वास्तविक महिमा और मौन से हम अपनी इंद्रियों को किस प्रकार से साध सकते हैं, परमात्मा से सीधे संवाद हमको कैसे प्राप्ति हो सकती है, वो मौन ही एक ऐसा रास्ता है जिसके नियम है। साधक जब उस अवस्था में पहुंचता है तो परमात्मा की उसे खुद ही प्राप्ति हो जाती है और उसका सीधे संवाद परमात्मा से होता है। यही हमारे जीवन का, इस जीवन में हम अनेकों काम करते हैं दोस्तों, लेकिन परमात्मा के साथ जो हमारा अंतर्मन है, हमारा साक्षात्कार हो रहा है, इस मानव जीवन में अवतीर्ण होने पर जो इस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है वही मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति का सबसे बड़ा मानक है। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। इसी प्रकार दोस्तों मौन की अवधारणा को, मौन के महत्व को, ऐसे विचारों को, अपने मन की शुद्धता को कैसे हम अर्जित करें,
इन भावों को हमको अपने चेतन में ला करके जहाँ तक वो अपने जीवन को सार्थक बना सकें। दोस्तों, ये किसी के लिए नहीं है, स्वयं के जीवन का, जीवन में आध्यात्म की और अपने इंद्रियों के भावों को जगाना है, इंद्रियों को जागृत करना है और परमात्मा का ध्यान लगा करके मन, वचन और वाणी से परमात्मा की ओर अग्रसर होने का सबसे बड़ा रास्ता है। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें।